गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस प्लस टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। Suppose we are given the matrix A is equal to A, B, C, D, E, F, G, H, I. Then adjoint of A, ये क्या होगा हमारे पास? ये होती जो transpose of the cofactors of the matrix। तो मैंने आपको बताया था जैसे इन सभी का ए का जैसे आपने कोफैक्टर लेना है तो वो हमारा कैपिटल में हमने डिनोट करना था A11। ठीक है, इसी तरह से ये A12 है बी, और जो सी है हमारा A13 है। ये दीज आर ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ, मतलब जो A11 है आपका वो क्या है, A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे कोफैक्टर्स लिख लेने हैं। ये आएगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका जो ट्रांसपोज हम लेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये A11, A12 ऐसे हो जाएगा, A13, A21, जो रो का कॉलम, कॉलम का रो, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा 22, A23, A31, A32, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर गिवन A इज इक्वल टू 2, 3, 1, 4, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A इसका निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11, ये 2 है आपका, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर साइन लगाना है। ये जो 2 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, और उसके बाद जिस रो और कॉलम में ये लाई करता है उसको डिलीट करके बाकी का बचा आपके पास 4, तो ये प्लस का 4 आ गया। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A12, 3 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, और ये आ गया -1, इस तरह से करना है। ठीक है, जिस रो और कॉलम में 3 लाई करता था उसको डिलीट कर दिया हमने। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A21, दैट इज़ 1 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 1 × 4 आ जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ गया, सॉरी ये आएगा इसमें 4, तो उसमें माइनस का 3 आ जाएगा। और इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ लास्ट एलिमेंट 4 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 × 2, दैट इज़ 2 आ गया आपके पास। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एट जॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ऐसे एक बार लिख लेते हैं इसको, A11, A12, A21, A22, इसका ट्रांसपोज लिखना आपने। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज इसका, तो ये आएगा 4, -1, -3 एंड 2। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 4, -1, -3 एंड 2, तो ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो जैसे आपने MCQs करने हैं उसके लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स A थी हमारे पास 2, 3, 1, 4, तो इसका एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, डायरेक्ट करना हो आपने, आपने क्या करना है, जो डायगनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करना है, और जो, ठीक है, ये तो इस साइड के हो गए हमारे पास, जो दूसरी साइड के हैं आपके पास, ये देखो 3, 1 वाला साइड है जो, इसके आपने साइन चेंज करने हैं। इंटरचेंज को कैसे याद करना है, इंटरचेंज फर्स्ट वाला जो राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, जो लेफ्ट वाला डायगनल है उसका साइन चेंज, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपने MCQs के लिए इसको यूज़ करना है, मोस्टली MCQs के लिए यूज़ होता है। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A
इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे आप दो, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो आप इसमें चेक करेंगे आपके पास आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप मतलब कि आप इसको यू वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स लेके आप इसको प्रूव कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा आपके पास तो ये बनेगी सिंगुलर। ठीक है, ब्रीफ में, और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये बनेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो जो ए बी एंड बी ए हमारे पास हैं वो भी क्या होंगी, ए बी एंड बी ए दीज आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट नोट याद रखना आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये सारे जो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये जो सारे ये रिजल्ट्स मैं अब करवा रही हूँ आपको, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर डूइंग MCQs। ठीक है, जब आप MCQs करोगे उसके लिए सारे उनसे ये हमें यूज़ करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेकेंड वाला, ये फर्स्ट था जैसे, सेकेंड वाला क्या है, इफ़ ए इज ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, जैसे कि इसमें आपको मैं एक सम करके दिखा देते हैं, जैसे कि सपोज ए का ऑर्डर हमारे पास 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, हमने किया अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा आपका, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो मैट्रिक्स ही है, अभी तो हम मैट्रिक्स ही लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा। अब हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, इस तरह से मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसमें से फिर हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट रो में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आया, सेकंड में से भी आ गया, थर्ड में से भी आ गया, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होता है 1, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास, आपने देखा इसमें इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, मतलब ए का ऑर्डर हमारे पास 3 था, तो डिटर्मिनेंट जो आंसर आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर उससे एक लेस आएगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना है, तो यहीं से जो है हमारा जो है इनवर्स डिराइव होता है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ भी इसमें आप कर सकते हैं, कोई भी आप इसका एक सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको फाइंड आउट करना आता है। ठीक है?
ठीक है, तो उससे आपने जब डिवाइड कर देना है तो आपके पास क्या आएगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हम इसमें एक सम करके देख लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। सपोज मेरे पास ए गिवन है 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, इसका 4 - 3 2 6 - 2। आपने चेक किया कि ये नॉन जीरो है, इट मीन्स इसका इनवर्स डिफाइंड है। अब हमने एडजोइंट ऑफ ए निकालना है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको एडजोइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना है, राइट वाला जो डायगोनल है उसका, उसको इंटरचेंज और बाकी दोनों के साइन चेंज। ठीक है, तो बस इनवर्स आ गए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजोइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 1/-2, और ये -2 को आप अंदर भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। इसके बाद आप अपने NCERT की एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेना, जो कि काफ़ी सिंपल है, और एक्सरसाइज 4.5 भी आप इसमें से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।